हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले अल्ट्रासाउंड में लड़का या लड़की होने का आप कैसे पता लगा सकते हैं घर बैठे ही। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आपको जैसे पता चलता है प्रेग्नेंट है, तो डॉक्टर आपको सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोलते हैं। लगभग आप प्रेगनेंसी में बहुत सारे ऐसे अल्ट्रासाउंड करते हैं जो कि डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, वही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से आज बात करने वाले हम लोग, कैसे पता लगा सकते हैं आप अपने बेबी का जेंडर। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ घर में लड़का या लड़की है, ये आप बेबी बॉय के सिम्टम, दादी के बोले हुए लक्षणों के अलावा अगर आप 100% तक किस पर विश्वास कर सकते हैं, वो है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। लेकिन हमारे इंडिया में जेंडर प्रेडिक्शन करना बैन है, जिसकी वजह से आप ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी कुछ एक कोड और रहता है जिससे कि आप पता लगा सकते हैं आपका बेबी का जेंडर। तो आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से कैसे पता लगा सकते हैं आपका बेबी का जेंडर। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से आप तीन तरीके से पता लगा सकते हैं आपका बेबी का जेंडर। सबसे पहला जो तरीका है वो है FSH, यानी कि बेबी का हार्ट रेट। दूसरा दोस्तों वो है बेबी का सर का पोजिशन, बेबी कहाँ रहता है उसका पोजीशन। और तीसरा जो दोस्तों वो है आपकी बेबी का हलचल, आपका बेबी कहाँ मूवमेंट करता है वो। तो आइए बात कर लेते हैं हम इन तीनों टॉपिक के बारे में डिटेल में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम FHR यानी कि फिटल हार्ट रेट के बारे में, आपकी बेबी के हार्ट रेट के बारे में। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आप जब भी पहला अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उस पर आपको ध्यान देना है कि आपकी बेबी का जो हार्ट रेट है वो क्या है। दोस्तों, अगर वो 140 से प्लस है तो वो लड़की होती है, और वहीं पे दोस्तों अगर वो 140 से नीचे है तो वो लड़का होता है। तो दोस्तों, FHR से आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। दूसरा जो तरीका मैंने आपको बताया था वो है आपका बच्चे का सर का पोजीशन, बच्चे का मतलब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपका बेबी का सर कहाँ रहता है, बेबी कौन सी तरफ रहता है वो। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अगर आपकी बेबी नाभि के नीचे और ख़ास करके दाहिने तरफ अगर रहता है दोस्तों, तो वो लड़का होता है। दोस्तों, तीसरा दोस्तों वो है आपका बेबी का हलचल। दोस्तों, अगर आपका जो बेबी का हलचल है आपको फोर्थ के एंडिंग में, यानी कि 3 मंथ कंप्लीट होते ही फोर्थ मंथ की स्टार्टिंग में, तो उसके एंडिंग में अगर आपको फील हो जाता है तो वो लड़का होता है। दोस्त, अगला जो यानी कि जो तीसरा है दोस्तों, वो है आपका बेबी का हलचल। दोस्तों, आपका बेबी का जो हलचल है वो फोर्थ मंथ की एंडिंग में, नहीं तो फिफ्थ मंथ की स्टार्टिंग में अगर आपको फील हो जाता है दोस्तों, तो वो लड़का होता है। दोस्तों अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से आप इन तीन तरीके से पता लगा सकते हैं आपका बेबी का जेंडर। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो के एंड में आपको एक ही बात बताऊंगी, लड़का लड़की में प्लीज़ कोई भेदभाव ना रखिए। प्रेगनेंसी के दौरान ये जो वीडियोस है उसको फन की ओर से लीजिए, आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को थोड़ा इंजॉयफुल करने के लिए, यादगार रखने के लिए ये सब वीडियो को देखिए। इसको देख के प्लीज़ कोई गलत कदम ना उठाइए। दोस्तों, मिलूंगी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।